हाई ग्लैम में छपरा की राखी गुप्ता ने जीता टॉप मॉडल ऑफ बिहार का टाइटल। मिसेज इंडिया के लिए बिहार का करेंगी प्रतिनिधित्व। छपरा आई ग्लैम और रूबरू मिसेज इंडिया द्वारा आयोजित मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट में मिसेज बिहार का चयन राजधानी पटना के पनास होटल में हुआ, जिसे खरबनंदा रूबरू वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया, जिसमें राखी गुप्ता ने टॉप 25 प्रतिभागी को पीछे छोड़ते हुए टॉप मॉडल ऑफ बिहार का टाइटल अपने नाम किया। बिहार के विभिन्न जिले से प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में पहुंची थी। कॉन्टेस्ट 3 राउंड में कराए गए। तीनों राउंड में निर्णायक मंडल द्वारा मार्क्स दिया गया। अंत में सभी मार्क्स को जोड़कर प्रतिभागियों को विभिन्न टाइटल से नवाजा गया। श्री प्रकाश ऑर्नामेंट्स की मालिक वरुण प्रकाश की पत्नी राखी गुप्ता ने मिसेज बिहार के कॉन्टेस्ट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मिसेज बिहार के टॉप 5 प्रतिभागी दिल्ली में होने वाले मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लेंगे। टॉप 5 प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसको लेकर प्रतिभागियों की तैयारी में लगातार आई ग्लैम द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। टॉप मॉडल ऑफ बिहार का टाइटल जीतने वाली राखी गुप्ता ने कहा कि आई ग्लैम द्वारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए इसकी शुक्रगुजार हूँ। मिसेज बिहार में टाइटल जीतने के बाद मुझे हौसला मिला है। मैं मिसेज इंडिया का खिताब अपने नाम करूँगा। मेरी इस सफलता में मेरे पति का सहयोग है। हौसला और आत्मविश्वास की बदौलत मैंने अब तक का सफर पूरा किया है। छपरा सारण की मैं बहू हूँ। मेरा सपना है कि मिसेज इंडिया का टाइटल जीतकर अपने शहर व जिला का नाम रोशन करूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, पाठक की नज़र से छपरा। मेरा नाम राखी गुप्ता, मेरी उम्र 39 ईयर्स ओल्ड, मेरी हाइट 5 फीट 2 इंचेस है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। छपरा शहर में हमारा एक एनजीओ रन करता है, जिसका मेन उद्देश्य है कि हमारे शहर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, और मैं इसी जज्बे को आगे लेकर चलूँगी हमेशा। आई हैव बीन मेड बाय माय पेरेंट्स, शेप्ड बाय माय हस्बैंड, एंड द कॉन्फिडेंस आई हैव टुडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ माय किड्स, एंड टुडे आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ आई ग्लैम, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू आई ग्लैम एंड द फुल टीम फॉर द कॉन्फिडेंस एंड द सपोर्ट दे हैव गिवन टू अस। थैंक यू। कि सुनते आए हमेशा घर में बाहर कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरी सफलता के पीछे एक मर्द का हाथ है, और मैं इस चीज़ को बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वो और कोई नहीं मेरे पति के रूप में मिसेज बिहार चुनी गई हैं। और क्या अगला टारगेट क्या है? बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि अपने शहर अपने राज्य के लिए अब कुछ कर पा रही हूँ। मैं अब बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए दिल्ली जाऊँगी। बहुत अच्छा लग रहा है, अजीब सी खुशी। क्या संदेश देंगे महिलाओं को, जो घरेलू महिलाएं हैं? मैं उन्हें बस इतना कहना चाहूँगी कि आप जहाँ हो, जितने में हो, उसी में आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। हौसला होना चाहिए खुद में, और मैंने भी हौसला रखा था। मैंने भी शुरुआत एक हाउसवाइफ से की, फिर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हुई, सोशल वर्कर हुई। जो भी किया मैंने 13 साल की अपनी मैरिड लाइफ में, धीरे धीरे करके आज मैं यहाँ हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप शुरुआत तुरंत ही कर दो, टाइम लो, लेकिन कुछ करो। छपरा में जैसे रूबरू से हम लोगों ने बात किया, और जो आई ग्लैम है उनसे भी एक बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप कुछ मत कीजिए, छपरा के लेवल में हम स्पॉन्सर करेंगे, सब कुछ करेंगे, प्लेटफॉर्म मेरा होगा, होटल भी मेरा होगा, सिर्फ आपका जो कॉन्सेप्ट है कैसे आप लोग बच्चों को लेते हैं करते हैं। छपरा में एक किड्स फैशन शो जो है लगभग 18 साल की बच्चियों का, जो अनमैरिड बच्चियों का, वो एक फैशन शो हम लोग कराना चाहते हैं, और उनका जो एज लेवल होगा 7 साल से लेकर और लगभग आपको मान के चलिए 18 साल की लड़कियों का कराने का हम लोग सोच रहे हैं, जिससे मिस्टर छपरा।